डालने के बाद जितनी भी आपकी जीमेल आईडी होंगी उन सबका यहाँ पे पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों अब इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। दोस्तों लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जो जीमेल आईडी बना तो लेते हैं लेकिन उसका पासवर्ड भूल जाते हैं। दोस्तों उनमें से एक मैं भी हूँ जो अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुका हूँ। अगर आप भी अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए तो आप पता करना चाहते हैं तो आप पता कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना कितना भी पुराना पासवर्ड हो, साल, दो साल, तीन साल, चार साल पुराना पासवर्ड हो, आप उसे पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए बताता हूँ कि आप कैसे अपने जीमेल ईमेल आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे उसे देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके लिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपके मोबाइल में एक ऐप होगा जो मैं आपके लिए स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर बाई चांस ये वाला ऐप नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, फिर भी आपके लिए अपना जो भी जीमेल का पासवर्ड होगा आपके लिए पता चल जाएगा। तो करना आपके लिए ये वाला ऐप आपके फ़ोन में होगा क्रोम नाम का, जैसे स्क्रीन देखते हैं ये वाला ऐप आ रहा है क्रोम, इसे ओपन कर लेना है। जब फाइनली आप इसे ओपन करोगे ये कुछ इस तरह से मतलब ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या करना है, आपके यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, थ्री डॉट ऊपर थ्री डॉट आ रहा है जैसे इसके में देखते हैं थ्री डॉट, आप लेना है थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। जब फाइनली आप थ्री डॉट पर क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं मिलेगा सेटिंग्स का, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। जब फाइनली आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हो सेटिंग्स में तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा नीचे आना आपके लिए। जब फाइनली आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख मिलेगा गूगल पासवर्ड मैनेजर, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। जब फाइनली आप गूगल पासवर्ड मैनेजर में आ जाते हो तो आपके जितने सारे पासवर्ड होंगे यहाँ पे सेव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑप्शन नहीं मिलेगा गूगल डॉट कॉम, यहाँ पे गूगल डॉट कॉम में ही आपका जीमेल ईमेल का पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, गूगल डॉट कॉम ये रहा स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्क्रीन का लॉग है, ठीक है, जो आपका स्क्रीन का लॉग है वो आपके लिए स्क्रीन का लॉग यहाँ पे डाल देना है। फाइनली मैंने यहाँ से डाल दिया है। डालने के बाद जितनी भी आपकी जीमेल आईडी होंगी उन सबका यहाँ पे पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों अब इस आई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। ठीक है, आप जितनी भी सारी जीमेल आईडी होंगे उनका सारा का सारा यहाँ पासवर्ड देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पासवर्ड पता चल जाता है यहाँ पे तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस नहीं पता चलता है तो भी मैं आपके लिए एक रामबाण इलाज लेके आ गया हूँ। ठीक है, आप कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए। फिर क्या करना है, आपके लिए अपने मोबाइल में आप जीमेल नाम का एक ऐप होगा, ठीक है, जो जीमेल नाम का ऐप जैसे मैं आपके लिए दिखा दूँ स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, आपके फ़ोन में जीमेल नाम का ऐप होगा, इसे ओपन कर लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जीमेल नाम का ऐप है इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर दोस्तों क्या करना है, आपके लिए यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने मिलेगा ऊपर से, ठीक है, साइड कॉर्नर में, तो करना आपके लिए प्रोफाइल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब फाइनली आप प्रोफाइल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हो तो आपके फ़ोन में जितनी सारी जीमेल आईडी हैं यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो उनमें से आपके लिए जो भी जीमेल है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर मेरे में आ रही है इस पर मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। जब फाइनली आप मैनेज योर गूगल अकाउंट क्लिक कर देते हो उसके बाद थोड़ा आपके साइड में करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी में आ जाना है। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं, तो आप लिए ना यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे। आप नीचे आने के बाद आपके लिए यहाँ पे देखने मिलेगा पासवर्ड मैनेजर, ठीक है, वही मतलब जो हमारे क्रोम ब्राउज़र पासवर्ड थे वैसा यहाँ पे देखने मिलेगा पासवर्ड मैनेजर, इस पर क्लिक करना है। जितने आपके पासवर्ड होंगे, ठीक है, गूगल का पासवर्ड है गूगल का यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मतलब जीमेल का पासवर्ड गूगल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ से बैक आ जाना है, अगर यहाँ पता नहीं चलता है तो आप लिए थोड़ा ऊपर जाना है, इसी में सिक्योरिटी में आपके लिए फिर से ऊपर जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं मिलेगा पासवर्ड का, ये पासवर्ड का मैं ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर दोस्तों आपने ये वाली जीमेल आईडी इसी फ़ोन में बनाई है तो आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं बिना पुराना पासवर्ड डाले। ठीक है, तो हमारे लिए क्या पता है, पुराना पासवर्ड नहीं पता है, यहाँ पे डालना नहीं है आपके लिए। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड यहाँ पूछा जाएगा पहले, तो करना आपके लिए डायरेक्ट यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसी फ़ोन में जीमेल आईडी बनाई है तो आप बिना पुराना पासवर्ड डाले एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो आप लेना यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो भी स्क्रीन का लॉक है यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद आपके लिए एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर लेना है, और आप अभी बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं, बिल्कुल नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ से नया पासवर्ड यहाँ पे डालना है, वही आपके लिए कंफर्म दोबारा से रिपीट करके यहाँ पे डाल देना है, 8 नंबर का पासवर्ड। डालने के बाद आप यहाँ से चेंज पासवर्ड वाले इस ऑप्शन क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।